सभी सम्मानी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे साथी हमारे सामाजिक संगठन में जुड़ करके समाज की सेवा करते हैं और बहुत सारे साथी समाज में हैं और समाज के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। तो मित्रों, एक जब हम समाज में रहते हैं या किसी सामाजिक संगठन में रहते हैं या किसी एनजीओ में रहते हैं, तो क्या होता है कि एक जो सामाजिक व्यक्ति होता है या जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, जो समाज को जागरूक करने का प्रयास करता है, उसमें कुछ विशेष आवश्यक गुणों का होना अनिवार्य है। हमने अभी अपने वेबसाइट www.agariajanjati.in पर एक सर्वे लिया था कि एक सामाजिक कार्यकर्ता में कौन कौन से विशेष गुण होना आवश्यक है। उस पर बहुत सारे सम्मानित साथियों ने अपने विचार भी व्यक्त किए थे। आज हम उसी टॉपिक को लेकर, उन्हीं के विचारों को लेकर आपके सामने, आप सभी के सामने आए हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक होगा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता में कौन कौन से विशेष गुण होना चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है यही है, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो मित्रों, मैं हूं दशरथ अगरिया और आप देख रहे हैं अगरिया समाज संगठन भारत के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से एक बेहतर मोटिवेशन मिलता है और हम कुछ और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। और मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यदि कोई आप सुझाव हमको देना चाहते हैं तो आप अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में आप हमें दे सकते हैं। मित्रों, मैं आपको और कुछ बता देना चाहता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई हैं, हमारे वेबसाइट की लिंक भी दी हुई है और कुटुंब ग्रुप की लिंक दी हुई है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। तो मित्रों, चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं, जो कि तो मित्रों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता में कौन कौन से विशेष गुण होने चाहिए। मित्रों, वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा हो तो मैं निवेदन करूंगा कि आप कृपया पूरा देखिएगा, जिससे आपको मेरी बातें पूरी समझ में आ सकें। पहला जो गुण है वो है कि सरल स्वभाव, मृदुभाषी, सामाजिक अनुभवी एवं प्रभावशील वक्ता होना चाहिए। मित्रों, वाकई में ये बात तो सत्य है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जो एक सामाजिक व्यक्ति होता है, जो समाज सेवा करता है, उसको मृदुभाषी होना बहुत ही ज़रूरी है। उसकी वाणी से अच्छे और मृदुल शब्द जो सुनने में सभी को अच्छा लगे, ऐसी बातें उनके पास शैली होनी चाहिए, मृदुभाषी होने चाहिए, मृदुल स्वभाव के होने चाहिए। और सामाजिक अनुभवी, समाज में थोड़ा बहुत अनुभव। अब ये अनुभव कहाँ से प्राप्त होता है हमको? जब हम समाज में लोगों से जुड़ते हैं, और जब हम लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो हमको लोगों से सीख मिलती है। जब हमको लोगों से सीख मिलती है तो हमारे अंदर अनुभव आता है, तो हमको थोड़ा बहुत सामाजिक अनुभव भी होना चाहिए। और इसके लिए हमको लोगों के बीच बैठना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमको किसी भी समाज में जब हम रहते हैं तो हमको समाज के साथ लगातार सतत उनके संपर्क में रहना इसके लिए ज़रूरी है, जिससे हमको सामाजिक अनुभव प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही प्रभावशाली वक्ता होना चाहिए, प्रभावशाली वक्ता। मित्रों, यदि कोई भी चीज़ समाज में है, आप यदि सामाजिक संगठन में आप जुड़े हुए हैं, तो कोई भी बात यदि सामने आती है, उसको आप अपने शब्दों में एक बेहतर तरीके से आप लोगों को अपनी बातों को कि क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या गलत नहीं है, उन बातों को प्रभावपूर्ण तरीके से, प्रभावशाली तरीके से आप अपने संगठन में, आप अपने समाज में लोगों तक पहुंचा सकें और आपकी बातों में एक बेहतर प्रभाव हो, आप प्रभावशाली हों। तो एक ये हुआ नंबर फर्स्ट। नंबर दूसरा मित्रों, सकारात्मक सोच। ये एक सामाजिक संगठन के लिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, समाज की सेवा करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मित्रों, सकारात्मक सोच, यदि आप किसी भी सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सामाजिक संगठन से आप जुड़े हुए हैं, तो आपकी सोच सकारात्मक होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप
स्वयं सकारात्मक है तब ही आप लोगों को सकारात्मक कर सकते हैं। यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी निगेटिविटी या नकारात्मक बातें आई आपके मन में, तो आप कभी भी अपने लक्ष्य में या अपने जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं, आप वहाँ सफल नहीं हो सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों कि दूसरा नंबर जो पॉइंट है हमारा सकारात्मक सोच, इसी में है निस्वार्थ सेवक। मित्रों, सामाजिक संगठन में यदि आप हैं और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सकारात्मक सोच के साथ साथ निस्वार्थ की भावना होनी चाहिए। निस्वार्थ सेवक हो आप, आपके मन में निस्वार्थ की भावना हो कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे साथियों के लिए क्या आता है, पद की बात आती है। यदि पद की बात आती है तो क्या होता है, जब पद की बात आ जाती है तो यहाँ ये आती है कि वो निस्वार्थ सेवा नहीं कर रहा, यानी वो अपने नाम के लिए, अपने स्वयं के मतलब स्वार्थ के लिए वो कार्य कर रहा है। तो आप यदि समाज के सेवक हैं, सच्चे मन से यदि आप समाज की सेवा करते हैं, तो आपके अंदर निस्वार्थ की भावना होना बहुत ही अनिवार्य है। अगला है निष्पक्ष निर्णायक होना चाहिए, इसी में है मित्रों दूसरा ही पॉइंट है, निष्पक्ष निर्णायक होना अनिवार्य है। मित्रों, यदि हम किसी सामाजिक संगठन में कार्य कर रहे हैं, तो हमारे साथ वाकई में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, हमारे आस पड़ोस के हो सकते हैं, हमारे ज़िले के हो सकते हैं, हमारे गांव के हो सकते हैं, या हमारे राज्य के हो सकते हैं। तो उसके लिए हमको एक जो सामाजिक कार्यकर्ता है उसके पास निष्पक्ष निर्णायक विचार होना बहुत ही आवश्यक है। यदि वो चाहे कहेगा कि ये मेरे संबंध का है या मेरे रिश्तेदार का है, तो मैं उसके पक्ष में बात करूं, तो वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से सही नहीं होगा। तो इसलिए यदि आप एक सच्चे समाजसेवी हैं, तो एक सच्चे समाजसेवी में निष्पक्ष निर्णय करने की क्षमता होना आवश्यक है। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा हुआ दूसरा पॉइंट, जिसमें हमने रखा है सकारात्मक सोच, निस्वार्थ सेवा की भावना और निष्पक्ष निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है मित्रों, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, समाज के प्रति समर्पण या समर्पित भाव से कार्य करने की क्षमता रखता हो। मित्रों, समाज के लिए समर्पित मन से, पूरी समर्पण की भावना से समाज की सेवा करने का जज्बा होना चाहिए एक सच्चे समाजसेवी में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसके अंदर जो समाज सेवक है उसके अंदर एक विशेष गुण ये होना बहुत ही ज़रूरी है कि मैं सच्चे मन से, चाहे परिस्थितियां जो भी हो, पर मैं अपने समाज के उत्थान एवं विकास के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। या किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करता है, तो उसके मन में ऐसा जज्बा होना ज़रूरी है जो सकारात्मकता की भावना में ये आता है कि समर्पण की जो भावना है कि मैं समर्पित होके ही इस सामाजिक संगठन या इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूँगा, एक दिन उस अंजाम तक इस संगठन या इस समाज को पहुंचा के रहूँगा जिसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। जिससे आपके अंदर जब ये समर्पण की भावना रहेगी, तो ऑटोमेटिक लोग आपसे प्रभावित होते हैं और लोग आपकी बातों को समझते हैं। तो आपके अंदर, यानी एक सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर समर्पण की भावना होना बहुत ही आवश्यक है। तो मित्रों, ये रहा नंबर पॉइंट 3। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं नंबर चौथे पॉइंट की ओर। मित्रों, लालची, स्वार्थी, घमंडी प्रवृत्ति का ना हो, नंबर चौथा पॉइंट है। एक सामाजिक कार्यकर्ता को कभी लालची नहीं होना चाहिए कि जो हमेशा मेरा ही भला हो, लोग मेरे को ही हमेशा महत्व दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो लालची नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ में कि जो भी चीज़ें हों वो मुझे ही मिले, लालची नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद स्वार्थी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया कि निस्वार्थ सेवक, तो उसके लिए स्वार्थी नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ सेवा करने की भावना आपके अंदर होना चाहिए, स्वार्थी प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, और घमंडी प्रवृत्ति का ना हो। घमंडी प्रवृत्ति, मित्रों जानते हैं कि हाँ मैं अब या कि संचालक हूँ, या मैं अध्यक्ष हूँ, या मैं उपाध्यक्ष हूँ, या मैं जिला अध्यक्ष हूँ, या मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, यदि ऐसा सोच के यदि हम लोगों को अगर हम कहीं ना कहीं डिसपॉइंट करते हैं, लोगों को महत्व नहीं देते हैं, तो उसको हम यही कहेंगे कि हम घमंडी हैं, ऐसा करना उचित नहीं होता है। इसलिए एक सामाजिक संगठन
में जो व्यक्ति एक सच्चा समाज सेवक है उसके लिए लालची, स्वार्थी और घमंडी प्रवृत्ति का ना होना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है मित्रों, तो ये हुआ नंबर 4। अब नंबर 5 हम आगे बढ़ते हैं। निडर, साहसी एवं नेतृत्व क्षमता रखता हो, निडर होना चाहिए। एक सच्चे समाज सेवक को, जो समाज सेवा के लिए कार्य कर रहा है, उसको निडर और साहसी होना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि मित्रों, आप जिस फील्ड में कार्य करते हैं उस फील्ड में आपके पक्ष के भी लोग रहते हैं और आपके विपक्ष के भी लोग रहते हैं। आपको लोग जब कोई हर जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसको लोग हमेशा सदैव उसको धकेलने का प्रयास करते हैं, पीछे ले जाने का प्रयास करते हैं, उसके मनोबल को गिराने का प्रयास करते हैं। तो एक सच्चे समाज सेवक के अंदर हमेशा निडर और साहस का भावना होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आप अपने लक्ष्य की ओर टारगेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, लोगों को बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए। क्योंकि जब आप सही कर रहे हैं तो सच्चे कार्य करने वाले के साथ हमेशा परमात्मा का वास होता है। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो परमात्मा हमारा सहयोग करते हैं, इसलिए हमको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हमको निडर और साहसी होकर हमें रहना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नंबर 6। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कार्य कर रहा है वो, या जिस समाज के लिए कार्य कर रहा हो, उस समाज को बेहतर बनाने के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करने के लिए उसके अंदर एक विशेष गुण होना चाहिए। उसके अंदर ऐसी भावना होना चाहिए कि नहीं, मैं इसको लेकर जाऊंगा और जो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो थीम है, जो उद्देश्य है, जो मकसद है, मैं इसको पूरा करूंगा। ऐसी भावना एक सच्चे समाज सेवी में होना बहुत ही अनिवार्य है। इससे क्या है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपके संगठन में है, आपके साथ आपकी भावनाओं को समझते हैं और आपकी जो विचारें हैं वो लोगों तक पहुँचती है। ठीक है मित्रों, अब नेक्स्ट जो अगला बिंदु है हमारा, शेर के समान ताकत व फुर्तीला एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना बहुत ही जरूरी है, परंतु ताकत एवं लालची का उपयोग समाज हित में ही करता हो। ठीक है मित्रों, आप समझ ही गए होंगे कि जो एक सच्चा समाज सेवी है वो शेर के समान ताकतवर, ताकतवर का मतलब है मनोबल। आपका मनोबल हमेशा ऊपर होना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। कभी आपके अंदर नकारात्मक भावना न आए, और फुर्तीला और चालाक भी होना चाहिए। आपको सामाजिक समस्याओं और सामाजिक गतिविधियों में जो समस्याएं आती है उसको निपटाने की क्षमता हो आपके अंदर। ये क्षमताएं आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। सामाजिक संगठन में आप जब जुड़ते हैं तो आप उसको जब फॉलो करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। तो जब आप अधिक से अधिक सीखते हैं तो आपके अंदर ये भावना, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक जो है डेवलप हो जाती है। तो मित्रों, ये एक बहुत ही उपयोगी है कि हमको अपने समाज की बातों को, जो भी नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को हमको क्या है, निपटाते आना होना चाहिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी बात पर तर्क वितर्क करने की क्षमता रखता हो परंतु कुतर्क ना करता हो। मित्रों, एक सच्चे समाज सेवी में ये गुण बहुत ही अनिवार्य है कि तर्क तो करता हो, यानी उसके अंदर जानने की क्षमता हो कि आखिर ये चीज़ कैसे हुआ, ये चीज़ कैसे हुआ। यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करते हैं, कोई चीज़ आपके सामने आती है तो आप उस पर तर्क करें, ये कैसा है, वो कैसा है, लेकिन कुतर्क बिल्कुल नहीं कि नहीं ऐसा हो, नहीं हो सकता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखता है, और समाज में हर सब व्यक्ति बराबर होते हैं। हर व्यक्ति कुछ हमसे अलग जानता है, वो हमसे अलग जानता है। एक सामाजिक संगठन या सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा रहता है और एक दूसरे से ही सीखता है। तो हमेशा सीखने की क्षमता होना चाहिए, तर्क करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, कुतर्क नहीं। क्योंकि यदि आप कुतर्क करते हैं तो ये हो जाता है कि हम स्वयं अपने हित या फिर अपने स्वार्थ के लिए हम कोई चीज़ कर रहे हैं, हम सीखना नहीं चाहते हैं। तो मित्रों, हमें तर्क करना आता हो लेकिन कुतर्क नहीं। तो मित्रों, सच्चे समाज सेवी में कौन कौन से विशेष गुण होने चाहिए उसको हमने, उसमें हमने कुछ विशेष ये पॉइंट जो हमारे सामाजिक सर्वे में जो चीज़ सामने आया था उसी को हमने सामने रखा है। यदि आपको ये विचारधारा अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने परिचितों में शेयर कर दीजिएगा। तो मित्रों, आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद वंदे मातरम।